हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने आलू छोटे वाले लिए हैं, इनको हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तेल डाला है, तेल गर्म हो गया है। अब ये आलू इसमें डाल देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आलू हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने तेल डाल दिया है, इसमें अब हम जीरा डाल देंगे। तीन लौंग। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जब तक हमारा मसाला पक जाए। इस स्टेज पे हम इसमें हींग भी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन लगाकर मसाला पकने तक पका लेंगे इसको। इस स्टेज पे हम इसमें 2 चम्मच दही एड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाले में से तेल सेपरेट हो गया है और हमारा मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें आलू डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आलू मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देंगे। और अब इस मसाले को भी अच्छी तरह से पकने देंगे। हरी दम आलू की सब्जी बनकर तैयार है। अब ऊपर से हम गरम मसाला डाल देंगे और हरे धनिए से इसको गार्निश कर देंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी, आप एक बार इस सब्जी को बनाकर जरूर देखें। मेरे घर की फेवरेट सब्जी है ये, मेरे घर पर सबको ये सब्जी बहुत पसंद है। लीजिए बनकर तैयार है हमारी दम आलू की सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।